बेस्ट डाटा ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड फ़ोन, डाटा भेजने वाला बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सभी पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में या फिर किसी भी दूसरे फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फ़ोटो वीडियो व्हाट्सअप डेटा और जो भी आपके नंबर सब कुछ सेम टू सेम लेना चाहते हैं नए पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में, तो आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन बताऊँगा जो कि बिल्कुल पैसा नहीं लेती है, फ्री है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि मैं कोई पेड प्रोमोशन कर रहा हूँ, ऐसा प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको ढूंढने में दिक्कत होती है यार कौन सी बढ़िया एप्लीकेशन है जिसकी मदद से मैं डाटा ट्रांसफ़र कर लूँ, तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाली थी, बट उसमें क्या था कि वो एप्लीकेशन अब काम करना बंद कर चुकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना, जैसे कि ये मैंने कल ही परसों नया फ़ोन लिया था, ये वाला मोटोरोला का, ये मेरा रियलमी का है, तो ये पुराना फ़ोन था, इस फ़ोन से मैंने इस फ़ोन में सारा डेटा ले लिया है और वो मैंने कैसे किया वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाओ। अब ऐसा मत करना कि जो मैंने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन बता दी, बस एप्लीकेशन देखकर उसको यूज़ करने चले गए, उसको समझ नहीं आएगा आप कैसे यूज़ करना है, आपको पता नहीं लगेगा। तो देख लो, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्मार्ट स्विच। ठीक है, हाँ स्मार्ट स्विच लिखो, ये देखो मैं स्पेलिंग दिखाता हूँ आपको, यही लिखना है स्मार्ट स्विच। जब आप ये लिख देंगे, लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम यही एप्लीकेशन आपको इस वाले फ़ोन में लिखना है, स्मार्ट स्विच। ठीक है, तो जैसे आप स्मार्ट स्विच लिख देंगे, अब आपको कौन सी एप्लीकेशन ढूंढनी है मैं आपको बताता हूँ। ये वाली, इसका आइकन देखो, ये वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, स्मार्ट स्विच शेयर ऑल डेटा, इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और इस फ़ोन में सेम टू सेम यही एप्लीकेशन ढूंढ के आपको डाउनलोड करनी है, शेयर ऑल डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो आ गया यहाँ पे शेयर ऑल डेटा। तो इस तरीके से दोनों एप्लीकेशन आ गई, दोनों ही फ़ोन में ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अब यूज़ कैसे करना है वो भी इस वीडियो में देखते जाओ, तो हम फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल होगी इसमें और इसमें भी, आप ओपन करो दोनों फ़ोन में। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आपके लिए, आपका पुराना फ़ोन है, ये नया फ़ोन है। ठीक है, जो भी है जिस फ़ोन से जिस फ़ोन में भेजना चाहते हैं दोनों एक साथ रखें, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर दो, कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो है टर्म्स कंडीशन को अलाउ कर दो एंड यहाँ से इसको स्टार्ट कर दो और ओके कर दो। ठीक है, अलाउ, तो ये परमिशन लेता है भाई लोग, आपको पता है कि कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें परमिशन देनी पड़ती है। अब आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब जस्ट एग्जाम्पल के लिए सोचो कि जैसे कि मेरे पास ये पुराना फ़ोन है, इस फ़ोन का सारा डेटा, फ़ोटो वीडियो व्हाट्सअप चैट और मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारा डेटा शो कर देगा। देखो यहाँ पे आ रहा है कि इतना जो है डेटा अवेलेबल है, ये स्टोरेज दिखा रहा है और यहाँ पे इस तरीके से इसकी जो है परफॉर्मेंस आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका पुराना फ़ोन है तो यहाँ पे आपको आएगा फ़ोन क्लोज, सेलेक्ट करो इसके ऊपर। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू फ़ोन ओल्ड फ़ोन, तो ये भाई हमारा ओल्ड फ़ोन है क्योंकि ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में डेटा ले जा रहे हैं। तो इसको अगर जो भी आपका फ़ोन है, यहाँ पे आप ओल्ड फ़ोन रखना, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, क्लिक करना है ओल्ड फ़ोन। ठीक है, ओल्ड फ़ोन है, इसके अलाउ करो परमिशन और इसमें क्या करना है, फ़ोन क्लोज पे क्लिक करो और यहाँ से भी आपको सेम वही करना है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू फ़ोन, क्योंकि न्यू फ़ोन है, आपका नया फ़ोन है, वहाँ पे नया फ़ोन सेलेक्ट कर देना, जो ओल्ड फ़ोन है उसको ओल्ड, तो यहाँ पे नया सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओल्ड फ़ोन। ठीक है, तो बस थोड़ी सी ऐड आती है, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपका दोनों फ़ोन जो है सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, किसी का हॉटस्पॉट ऑन कर लो और दोनों फ़ोन को, पुराना और नया फ़ोन, दोनों फ़ोन को एक सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लो। जैसे कि घर में तीन चार फ़ोन है, किसी को बोल दो यार हॉटस्पॉट ऑन कर दे और उसी हॉटस्पॉट से दोनों फ़ोन को, नया एंड पुराना, दोनों को कनेक्ट कर लेना भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आ गया इमेज, 8 GB की इमेज है, 700 से ज़्यादा मेरे पास इमेज है, वीडियो लाके सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो डॉक्यूमेंट एप्स कॉन्टैक्ट, देखो 400 से ज़्यादा मेरे कॉन्टैक्ट हैं, सभी पुराने फ़ोन में है, सभी नए फ़ोन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको लेना वो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए आपको इस तरीके से अनटिक कर दो, क्लिक करो ये हट गया। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को सारा ही चाहिए, जो चीज़ नहीं चाहिए आपको मत करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी को जस्ट एग्जांपल के लिए आप सब कुछ सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको पूरा डेटा लेके जाना है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आज तक की सबसे बढ़िया है, जो अभी तक कोई पैसा नहीं ले रही आपसे। आप पता नहीं आगे भाई, जब मेरी आप वीडियो देख रहे हो आज के टाइम, तो मैं दे रहा हूँ, आगे की गारंटी नहीं, बट ये एप्लीकेशन यूज़ कर लो, बहुत बढ़िया, नहीं तो भाई पैसे लेते हैं लोग डाटा ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब आप पुराने फ़ोन पे शेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको क्या मिला है, वाईफाई, क्योंकि दोनों फ़ोन आपके सेम वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए, किसी का भी हॉटस्पॉट हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐड को क्लोज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको लोकेशन ऑन कर दो, ठीक है, इस तरीके से बैक करो एंड यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वाईफाई सेलेक्ट करना है, इसको बैक कर देते हैं, सॉरी गाइस, इसको बंद करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ऐड आती है, कोई नहीं, 5-10 सेकंड की। अब आपको क्या करना है, देखो दोनों फ़ोन में स्कैनिंग आ गई, वाईफाई को सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों फ़ोन में, ये देखो यहाँ पे मोटोरोला आ चुका है, यहाँ पे रियलमी, तो दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक कर दो, अलाउ एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, अब ये दोनों फ़ोन कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से भेजना शुरू हो चुका है आपके सामने। बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है डाटा ट्रांसफ़र करने को लेकर, आपके सामने है यहाँ पे, और बहुत जल्द भेज देती है। देखो यहाँ पे आपको समय नहीं लगेगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 0, बट ये एकदम से फास्ट करेगा। देख, तो
आप सभी गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ इस तरीके से, जब ये यहाँ पे ऑल डन आ जाए, यहाँ पे डन लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको डन कर देना। एंड यहाँ पे आप सभी चेकआउट करेंगे कि आपकी जितनी भी फाइल्स वगैरह थी सब कुछ यहाँ पे आ चुका होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से जाएंगे आप सभी चेकआउट करें, यहाँ पे सारा कुछ जो भी है हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट स्विच करके एक फोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे सब कुछ आपका यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप सभी इस वाली एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, जो कि बेस्ट एप्लीकेशन है डाटा ट्रांसफर करने को लेकर, आई होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।